नेक्स्ट सेक्शन ई का थर्टी सेवन क्वेश्चन है ऑफ क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस थर्टी सेवन है स्टडी द फॉलोइंग सर्किट तो इस सर्किट को आपने बेटा स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट इस सर्किट के बेसिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी डायग्राम के बीच चेक करना दिस इज़ ए पॉइंट दिस इज़ बी पॉइंट ए एंड बी पॉइंट के बिटवीन हमने टोटल रजिस्टेंस बतानी है तो जहाँ पर तीन रजिस्टर है जिसकी रजिस्टेंस फर्स्ट की फोर होम सिक्स होम सिक्सटीन होम तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ तो टोटल रजिस्टेंस इसका कितना आएगा पहले एक आंसर है आपके पास आएगा जहाँ पर आर इज इक्वल टू फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्सटीन सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर आएगा ट्वेंटी सिक्स ओह जो आपके पास ए है उसका आंसर आएगा ट्वेंटी सिक्स ओह नेक्स्ट बी है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी जे बी पॉइंट है जी सी पॉइंट है जहाँ पर इन बिटवीन बी एंड सी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है सी ही एट ओह एट ओह दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल कंबिनेशन के अकॉर्डिंग टू टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसको लिख लेते हैं वन बाय आर डैस इज इक्वल टू वन बाय एट प्लस वन बाय एट सॉल्व करेंगे आंसर आएगा एल्सियम एट ऊपर टू कट वगैरह करेंगे वन बाय फोर रेसिब्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर ओम तो जे वाल आपके पास बी का आंसर है नेक्स्ट सी का फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड तो इस सर्किट के बीच कितना करंट पास होगा अगर हम की को क्लोज करें तो जहाँ पर इसका हमने ए एंड बी के बिटवीन टोटल रजिस्टेंस कितनी आ रही सी ट्वेंटी सिक्स बी एंड सी के बिटवीन कितनी आ रही सी फोर और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ तो टोटल रजिस्टेंस इस सर्किट का ये सी का आंसर है तो कितना आएगा आर प्लस आर डैस इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर तो जहाँ पर टोटल रजिस्टेंस इस सर्किट का आएगा थर्टी ओहम, तो डायग्राम के बीच जो बैटरी है इसका पोटेंशियल कितना दिया है हमारे पास सिक्स वोल्ट तो हमने क्या फाइंड करना है करंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है हुमजिला क्या होता है वी इज इक्वल टू आई आर आई इज इक्वल टू वी वाई आर वी कितना दिया है सिक्स और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है थर्टी कट ऑफ वगैरह करेंगे कितना आएगा वन बाई फाइव वन बाई फाइव को सॉल्व करेंगे जीरो पॉइंट टू तो आई का आपके पास आएगा आंसर जीरो पॉइंट टू एम्पीयर इतना करंट सर्किट के बीच फ्लो होगा जा तो आपने सी का मतलब आई पार्ट करना था जहाँ हम सी का सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं तो जहाँ पर क्या दिया है सेकेंड uh, है कहते इन द अब सर्किट द सिक्सटीन ओहम रजिस्टर और पैरलर कम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर एट ओहम, विच वन ऑफ टू विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस एकर इट्स टू एंड जस्टिफाइज यूअर आंसर तो इस क्वेश्चन में बताना है भी जो आपके पास सिक्सटीन ओहम का रजिस्टर है एंड जो आपके पास एट ओहम 8 ओहम कम्बिनेशन का जो सर्किट वगैरह बना इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा अपने आंसर जस्टिफाई करना है हमें पता है इस सर्किट के बीच जो करंट पास करेगा कितना करेगा जीरो पॉइंट टू एम्पियर तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ सिक्सटीन ओह ओम जला लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सिक्सटीन ओहम हम लिख लिखते हैं वी वन वी वन इज इक्वल टू आई आर करंट कितना जा रहा है सर्किट के बीच जीरो सॉल्व करेंगे कितना आएगा थ्री पॉइंट टू वोल्ट नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द कम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर ऑफ एट ओम हमने कम्बिनेशन को सॉल्व किया था तो तब हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया था इसका फोर ओहम तो इसको लिखेंगे वी टू इज़ इक्वल टू आई आर डैश करंट कितना फ्लो होगा जीरो पॉइंट टू एंड आर डैश की वैल्यू कितनी है फोर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट एट वोल्ट तो जहाँ से चेक करेंगे वी वन की वैल्यू ग्रेटर है वी टू से तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ सिक्सटीन ओहम इज़ मोर आपके पास आंसर आएगा ठीक है थैंक यू